लेकिन मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूँ सभी जो ड्राइवर्स वाहन चालक बोलते हैं हमको, वो स्ट्राइक पर है, सड़क पर उतरे हैं, पेट्रोल पंप में गड़बड़ है, सब भीड़ है और ये सब ट्रक्स वगैरह बंद है। तो इस राज्य में, हमारे राज्य में मैं देख रहा हूँ पानी से लेकर दूध तक, सब्जी अनाज सबके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा एक समस्या खड़ी हो गई। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में उस पर बातचीत होनी चाहिए। सर, एनडीए की तरफ से पहले कांग्रेस, शिवसेना की तरफ से बयान आया सीट शेयरिंग को लेके, फिर कांग्रेस की तरफ से आया, कल सुप्रिया सुले बोली है कि मीटिंग्स हो रही हैं दिल्ली में और 8 से 10 दिन में सीट शेयरिंग को लेकर। तो अच्छी बात है ना, सुप्रिया जी ने अगर कहा है कि महाविकास अकाड़ी में सीट शेयरिंग के ऊपर कोई मतभेद नहीं है और जल्दी उस बारे में घोषणा हो जाएगी, तो मैं स्वागत करता हूँ, हम सब स्वागत करते हैं, हम सब एक हैं और वज्रमुठ जो है हमारी महाविकास अघाड़ी की, वही हमारी ताकत है। एक दो सीट के लिए हम कोई तनाव निर्माण नहीं करेंगे हमारे अघाड़ी में। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि मस्जिदों को पॉपुलेटेड रखें, अपने बंदों को कहा है कि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा तादाद में खड़े रहे, क्योंकि उनकी जो मस्जिदें हैं वो शायद उनसे ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, मुझे नहीं लगता है कि जो उनके मन में जो डर है, लोगों के मन में जो डर पैदा हो रहा है या किया जा रहा है, वो एक राजनीति है। जरूर अयोध्या में राम मंदिर बना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि और किसी धार्मिक स्थान के ऊपर कोई जाकर कब्जा करेगा। ठीक है, चलो। सर, एक कार सेवक जो थे 31 इयर्स पहले, वो एब्सकॉन्डिंग थे, अभी उनकी उनको अरेस्ट किया गया है, कैसे देखते हैं इस चीज़? क्या देखेंगे, अभी छोड़ दीजिए। मराठा आरक्षण की तरफ से आई है, उनकी चुनौती बढ़ रही है। किसकी? झारखंड के सीएम, झारखंड के सीएम को नोटिस आती है, लेकिन जिसको ऑलरेडी नोटिस गए थे वो आप महाराष्ट्र के कैबिनेट में, ये आप फर्क समझ लीजिए। जिनको ईडी ने बुलाना चाहिए और बुलाया था पहले, वो सब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कैबिनेट में है, मंत्रिमंडल में है, और जो भाजपा के साथ, बीजेपी के साथ नहीं है, उनको आप बुलाकर तंग कर रहे हो।